अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 News 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। मोहतरमा स्मृति ज़ुबिन ईरानी इज़्ज़तमआब मरकजी वजीर बराए अतफाल ख़वातीन और अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद ने हज 2022 के लिए बेस्ट एम्बरक्शन पॉइंट का अवार्ड जनाब मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हैदराबाद एम्बरक्शन पॉइंट को पेश किया। जान बिल्ला रियासती अखिलियती वजीर अब्दुल्ला कटी चेयरमैन सेंट्रल हज कमेटी, मिस्टर याकूब शेख सीईओ सेंट्रल हज कमेटी, बी शफीउल्ला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और इरफान शरीफ असिस्टेंट। हुकूमत के जरिए नई दिल्ली में मुनक़िदा ऑल इंडिया हज कॉन्फ्रेंस के दौरान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और दीगर ने शिरकत की। आइए नाज़रीन देखें यह रिपोर्ट। 10 News 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला जो है एक अवार्ड नवाजा है 20-21 साल के बाद जो है हज कमेटी, हमारी हज कमेटी तेलंगाना गवर्नमेंट को जो दिए हैं हज कमेटी को, क्योंकि इसमें मेरी एक ही मेहनत नहीं है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, सबसे पहले मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हज कैंप के टाइम पे उन्होंने पूरा मॉनिटर करके पूरी जो है पुलिस डिपार्टमेंट, जीएचएमसी कमिश्नर और हमारे सीएसएफ पूरे ऑल डिपार्टमेंट्स के सपोर्ट से जो है, और हमारे शफीउल्ला साहब, इरफान साहब, ये सब पूरे मिल के एक टीम वर्क करके हमारे स्टाफ हज कमेटी का सब लोग जो है मेहनत करके जो है अल्लाह के करम से इसको कामयाब बनाए हज कैंप को यहाँ पर। और ये मीटिंग जो है ना सैटरडे के दिन दिल्ली में थी मीटिंग, ये 12 तारीख को, तो पूरे चेयरमैन साहब थे पूरे ऑल इंडिया के, और मैडम जो है मिनिस्टर है स्मृति ईरानी मैडम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से हज कमेटी के माइनॉरिटी के मिनिस्टर है, वो उन्होंने जो है जो चेयरमैन साहब इससे पहले आए थे जब यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट को अब्दुल्ला कुट्टी साहब पूरे ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं उन्होंने, तो उन्होंने जब भी हमारा इंतज़ाम देख के जब भी बोल दिया कि अब मैं इतने जगह का ऐसा इंतज़ाम मैं नहीं देखा, ये बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ और नंबर वन है, आप लोग बेस्ट है, इंशाल्लाह आपको अवार्ड देंगे बोल के जब भी बोल के गए थे यहाँ पर, तो वो बेचारे जो बोले उसको पूरा करे। तो वहाँ पर भी जो है अल्लाह का करम ये रहा कि हमारे तेलंगाना हज कैंप को जो है ना उन्होंने जो है बहुत ही इससे जो है हमारे को जो है मुबारकबाद दिए वहाँ के लोग भी, जो सेंट्रल हज कमेटी के भी सीईओ वगैरह भी, और मीटिंग के साथ ही जो है ना मीटिंग जैसा होने के बाद बुला के अवार्ड भी जो है ना पेश करे, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और इसमें मेरी ये नहीं है, इसमें हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो काम करी है यहाँ पर केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है पहली बार, कभी टीडीपी के दौर में आया ना कांग्रेस के दौर में आया अवार्ड, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में एक अवार्ड आया, इसलिए आया कि फाइनेंशियली भी जो है ना उस टाइम पे फाइनेंस एक मिनट में सेंक्शन करे केसीआर साहब, क्योंकि हज के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना कोई चीज़ को बोल के, और पूरे डिपार्टमेंट को मॉनिटर करके जो है ना यहाँ पर उसको जो है कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होना बोल के जो है काम करे, तो मैं केसीआर साहब की भी जो है ना दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आदाब, हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं 10 News 24x7। इसको YouTube पर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।